गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल हमने पढ़ी थी एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम, जिसको हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया था, वन डायमेंशनल सिस्टम के लिए, टू डायमेंशनल सिस्टम के लिए और थ्री डायमेंशनल सिस्टम के लिए। वन डायमेंशनल में हमने एग्जांपल पढ़ा था लीनियर चार्ज। तो आज हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इन्फाइनेटली लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। एक इन्फाइनेट वायर दिखाया, जिसको हमने चार्ज किया, तो जो चार्ज है उसके आउटर सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। हम इस चार्ज वायर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो इस वायर के सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने के लिए हम वायर के चारों ओर एक इमेजिनरी सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की बात करते हैं, जिसकी लेंथ एल है और जिसकी रेडियस आर है। वो पॉइंट जहां हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है, वो दिखाई दे रहा है इस सिलेंड्रिकल सरफेस की कर्व सरफेस पर है। तो हम जब गाउसियन सरफेस की बात करेंगे तो हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेंगे, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की कर्व सरफेस, एक सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस की प्लेन सरफेस। कर्व सरफेस को हमने सरफेस S1 से रिप्रेजेंट किया है, प्लेन सरफेस को हमने सरफेस S2 से रिप्रेजेंट किया है। जब इस पॉइंट पे बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटवर्ड डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में रहेगा। इस पॉइंट पे बात करें तो हमने कर्व सरफेस पर छोटा सा ये एरिया एलिमेंट dS1 मान लिया। तो इस कर्व सरफेस पर E और एरिया एलिमेंट डायरेक्शन dS1 दोनों सेम डायरेक्शन में रहेंगे, बट यहाँ E तो इस डायरेक्शन में रहेगा और S2 पर जो एरिया सरफेस एरिया वेक्टर है इस डायरेक्शन में यहाँ थीटा 90 डिग्री बन रहा है। फ्रॉम गॉस थ्योरम हमने पढ़ा है फाई दिस इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds दिस इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जहाँ हमने Q क्या पढ़ा था, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। इस इंटीग्रल की बात करें तो डॉट प्रोडक्ट खोल दिया जाए, पढ़ा है EdS cos थीटा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या S टोटल गाउसियन सरफेस का हमने आदि। अब जो S है उसे हम दो कैटेगरी से मिलकर बना मान सकते हैं। जब हम सिलेंड्रिकल सरफेस की बात करेंगे तो इसमें दो तो प्लेन सरफेस होती है और एक कर्व सरफेस होती है, तो एक प्लेन सरफेस के लिए और एक कर्व सरफेस के लिए इंटीग्रेशन को हमने दो सरफेस के लिए डिवाइड कर दिया, S1 और कर्व सरफेस, EdS1 cos थीटा प्लस S2 फॉर प्लेन सरफेस, EdS2 cos थीटा। जब हम कर्व सरफेस S1 की बात करेंगे तो हमने क्या देखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और सरफेस एरिया एरिया वेक्टर की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में, देन E इज पैरेलल टू dS1, देन थीटा इज इक्वल टू 0। और जब हम वैल्यू 0 यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती। जब हम S2 प्लेन सरफेस की बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये रहेगी और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये रहेगी, बीच का एंगल कितना बना रहेगा, थीटा। तो फॉर सरफेस S2 E इज परपेंडिकुलर टू dS2, देन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। cos 90 की वैल्यू 0 होने से ये वाले इंटीग्रल की पूरी वैल्यू 0 होगी, केवल इंटीग्रल ये वाला बचा रहेगा। क्लोज इंटीग्रल S1 E dS1 Q अपॉन एप्सिलॉन। E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी या डिस्टेंस सेम होने की वजह से कर्व सरफेस के ईच पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी कांस्टेंट बनी रहेगी। तो इंटीग्रेशन में हमने कांस्टेंट पैरामीटर को बाहर निकाल लिया, ई कांस्टेंट है इसलिए बाहर आ गया। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ S1 dS1 जितने भी एरिया एलिमेंट है उन सबको एड कर दिया जाए तो ये इंटीग्रेशन कर्व सरफेस के टोटल एरिया को शो करता है। इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल ऑफ dS1 2πRL, जहां R तो सिलेंड्रिकल सरफेस की रेडियस और L उसकी लेंथ, एरिया ऑफ कर्व सरफेस। तो E इंटू 2πRL इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। Q क्या है, पहली बात कर चुके हैं गॉस थ्योरम में, Q क्या है, टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द सरफेस। यहां बात करें टोटल चार्ज एनक्लोज सरफेस जो हमने दिया है वो पूरा का पूरा यूज थोड़ी आ रहा है, इस सिलेंड्रिकल सरफेस में जो यूज आ रहा है केवल उसी की बात कर रहे हैं। यहाँ काम में लेंगे हम
इफ लीनियर चार्ज डेंसिटी इज लैम्डा, यूनिट लेंथ पर चार्ज की वैल्यू लैम्डा हो, तो हम जो काम में ले रहे हो कि एल लेंथ का ही चार्ज काम में लेना, क्योंकि सरफेस द्वारा यही तो एनक्लोज किया जा रहा है। तो जब यूनिट लेंथ पर चार्ज क्वांटिटी लैम्डा है, तो एल लेंथ पर चार्ज क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, लैम्डा इंटू एल, और ये क्या बन जाएगी, क्यू, द टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाय द कर्व्ड सरफेस, क्यू की जगह लैम्डा एल रखने, एल से एल कैंसिल, बचा रह गया ई इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन, ये नीचे चला जाएगा, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 से मल्टीपल डिवाइड कर दें तो फॉर्मूला बन जाता है 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 आर, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को के लिखा जा सकता है, तो इन फॉर्म ऑफ कूलम्ब कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर। ये किसका फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्टेट यूनिफॉर्मली चार्ज वायर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डिस्टेंस के साथ वेरिएशन देखा जाए, हमने देखा E इज इक्वल टू 2 के लैम्डा अपॉन आर, 2 एक न्यूमेरिकल नंबर है, K कूलम्ब कांस्टेंट है जो भी कांस्टेंट है, लैम्डा लीनियर चार्ज डेंसिटी जो पूरे वायर के लिए कांस्टेंट बनी रहेगी, देन 2 के लैम्डा पूरी की पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, जैसे जैसे आप इनफाइनाइट वायर से डिस्टेंस इंक्रीज होती जाएगी, वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्वांटिटी डिक्रीज होती जाएगी, ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। टी वेरिएशन दिखा रहा है किसका, स्ट्रेट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का डिस्टेंस के साथ वेरिएशन कर्व कहलाता है। तो यहाँ हमारे फर्स्ट एप्लीकेशन, गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन, हमने 1 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट सिस्टम के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट तो करी है, परंतु किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम के साथ, ऐसे गॉस थ्योरम की फर्स्ट एप्लीकेशन। गॉस थ्योरम की सेकंड एप्लीकेशन फॉर 2 डायमेंशनल सिस्टम, जहां हम काम में लेंगे इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट। देखिए इनफाइनाइट प्लेन चार्ज शीट दिखाई दे रही, इसको जब चार्ज किया गया, ये चार्ज इस प्लेन शीट की टोटल सरफेस पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो, हम इसके सेंटर से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी। इसके लिए शीट के दोनों ओर हमने वापस वही सिलेंड्रिकल गाउसियन सरफेस इमेज निर्माण, फिर देखा जाए तो गाउसियन सरफेस 2 सरफेस से मिलकर बनी है, प्लेन सरफेस और कर्व्ड सरफेस। यहाँ प्लेन सरफेस आगे भी होगी, प्लेन सरफेस पीछे भी होगी, पीछे वाली प्लेन सरफेस पे सेम वैल्यू बनी रहेगी, इसलिए इसे हमने S3 मान लिया। यहाँ जब बात की जाएगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टोटल सरफेस, क्यू अपॉन एस, इसका मतलब टोटल जो सरफेस एस है उसे कितना चार्ज दिया गया है, क्यू चार्ज। यहाँ बात करें वही वापस सेम फॉर्मूला है, गॉसियन थ्योरम, पाई इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सरफेस इंटीग्रल के जब हम डॉट प्रोडक्ट को खेलेंगे तो बन जाएगा ई डी एस कॉस थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन। अब गॉसियन सरफेस को देखा जाए तो 2 प्लेन सरफेस है और 1 कर्व्ड सरफेस, प्लेन सरफेस दोनों सेम है तो जो वैल्यू S1 पे होगी वही S3 पे बनी रहेगी, कर्व्ड सरफेस को हमने S2 माना है। वही इंटीग्रल को हमने 3 डिवाइड कर दिए, S1 S2 और S3, S1 और S3 सेम है इसलिए हम एक ही इंटीग्रल में दोनों को बराबर लेके चल रहे, S1 के लिए भी यही होगा और S3 के लिए भी यही होगा। फॉर S1 इज इक्वल टू S3 E S1 cos थीटा प्लस E S2 cos थीटा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 या S3 की बात की जाए तो दोनों पर E पैरेलल टू DS, पैरेलल होने से थीटा 0 cos 0 की वैल्यू 1 बन जाएगी। S2 पर E इज परपेंडिकुलर टू DS, देन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, cos 90 की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसका मतलब कर्व्ड सरफेस पर ये इंटीग्रल की वैल्यू 0 हो जाएगी, तो प्लेन सरफेस भी बची रह जाएगी, जो S1 पे होगी वही S3 पे होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों सरफेस पर डिस्टेंस सेम होने की वजह से कांस्टेंट बनी रहेगी, E की वैल्यू कांस्टेंट है, देन इंटीग्रेशन से बाहर ले लिया, जो S1 के लिए होगा सेम वही S3 के लिए बना रहेगा। इंटीग्रेशन ऑफ DS, जब इस सरफेस की बात करेंगे तो इसका भी सरफेस एरिया S, इस S3 की बात करें तो इसका भी सरफेस एरिया S,
देन टोटल हो जाएगा एस प्लस एस टू एस, किस चीज का है, टोटल एरिया ऑफ प्लेन सरफेस ई इंटू टू एस दिस इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां क्यू क्या है, वो टोटल चार्ज है एनक्लोज्ड बाय द सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, इसमें सारा चार्ज तो नहीं आ रहा, केवल एस सरफेस में जो चार्ज आ रहा है उसी की बात कर रहे हैं। इफ सरफेस चार्ज डेंसिटी इज सिग्मा, इसका मतलब यूनिट सरफेस पर चार्ज की वैल्यू सिग्मा है, तो एस एरिया या एस सरफेस पर चार्ज की वैल्यू हो जाएगी सिग्मा इंटू एस। देन क्यू की वैल्यू हम जब यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ई इंटू टू एस इज इक्वल टू सिग्मा इंटू एस अपॉन एप्सिलॉन नॉट, एस से एस कैंसिल, टू नीचे चला जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए प्लेन शीट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। ये फॉर्मूला आ गया प्लेन शीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का। इस फॉर्मूले में देखें तो सिग्मा जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है टोटल सरफेस के लिए कॉन्स्टेंट बनी रहेगी, एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री वैक्यूम जो कि कॉन्स्टेंट है, पर टू फिर वही नंबर है न्यूमेरिकल नंबर है, ये पूरा का पूरा कॉन्स्टेंट बना रहेगा, देन ई दिस इक्वल टू कॉन्स्टेंट। इसका मतलब प्लेन शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डिस्टेंस पर डिपेंड ही नहीं करती है, डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट रहती है, ई की वैल्यू हमेशा कैसी बनी रहेगी, कॉन्स्टेंट बनी रहेगी। इसको अगर डिस्टेंस के साथ वेरिएशन करो देखा जाए तो डिस्टेंस बढ़ने पर भी या घटने पर भी ई की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्योंकि वो तो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट है। देन फॉर्मूला क्या ग्राफ आ जाएगा, ई कॉन्स्टेंट होने की वजह से जो डिस्टेंस एक्सेस है उसके पैरेलल लाइन आ जाएगी, ये पूरा का पूरा कहलाता है टू डायमेंशनल ऑब्जेक्ट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना, किसकी सहायता से, गॉस थ्योरम के साथ। इसका जो थर्ड एप्लीकेशन है स्फेरिकल चार्ज थ्री डायमेंशन ऑब्जेक्ट सिस्टम के, जो इस बार के सिलेबस से रिड्यूस हो चुकी है, तो हमारे कोर्स में सिर्फ दो ही रह जाते हैं, और इस टॉपिक के बाद हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है फर्स्ट यूनिट का कौन सा इलेक्ट्रोस्टेटिक्स, वो इस टॉपिक पर कंप्लीट हो जाता है। सेकेंड फर्स्ट यूनिट का सेकेंड जो चैप्टर आएगा वो आएगा पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जो कि हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।